नमस्ते इस सेक्शन में हमारा फोकस होगा पार्ट थ्री बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इम रिएक्शन मैथड इन बेस शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए चाहिए कि पहले आपको देखना चाहिए पार्ट वन एंड टू जिससे कि आपको ज्यादा नॉलेज आए इन दूसरे सेक्शन में अगर हमको एक रिडॉक्स रिएक्शन बेसिक सॉल्यूशंस में बैलेंस करना है तो हम उन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमें असरिक सॉल्यूशंस में काम ले लिए थे सिर्फ उसके बाद हमको सेम नंबर के हाइड्रॉक्सो ग्रुप्स ऐड करने चाहिए जिससे कि दोनों तरफ प्रोटॉन्स न्यूट्रलाइज़ हो जाएं। फिर ये वाटर फॉर्म करेगा जो कि न्यूट्रलाइज होना चाहिए और फिर ज़रूरी से चेक करना कि सारे चार्जेस और एटम्स दोनों तरफ बैलेंस हो जाए तो अब हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं इस बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन में पहले हमारा नोमन क्लेचर इस्तेमाल कर कर हम एक अनबैलेंसड इक्वेजन लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम से ध्यान से देखिए कैसे मैंने बेस लिखा है एरो के ऊपर ताकि मुझे ध्यान रहे कि हम बेस में अब काम कर रहे हैं एसिड में नहीं अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दो हाफ रिएक्शंस में बांटिए एक जो रिडक्शन रिएक्शन है और एक जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक और बार हम एक आसान मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो कि दोनों तरफ इन हाफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा पहले हमको वाटर ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड पर ताकि ऑक्सीजन जो एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है बैलेंस हो जाए फिर हमको हाइड्रोजेंस दोनों तरफ पर इक्वेट करने पड़ेंगे इसलिए हमको सेम नंबर के प्रोटॉन्स रिएक्टें साइड पर ऐड करने पड़ेंगे अब इस पॉइंट पर हमको ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना है दोनों तरफ ताकि ये चार्जेस बैलेंस हो जाए हमको चार इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेन साइड पर ऐड करने पड़ेंगे अब हम यही स्टेप्स रिपीट करेंगे इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सिल्वर जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो अब हम दूसरे एटम्स को बैलेंस कर सकते हैं अगर हम दो साइनाइड्स ऐड करें रिएक्टे साइड पर ऑक्सीजन एटम्स हैं तो मुझे कोई वाटर या प्रोटॉन्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अब हमको इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों तरफ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पर ऐड कर दें तो ये चार्जेस बैलेंस्ड हो जाएंगे सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा जब हाफ रिएक्शंस ऐड होंगे मुझे पहले एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑक्सीडन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर फिर मैं दो हाफ़ रिएक्शंस को ऐड और सिंपलफ़ाई भी कर सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़े इस पॉइंट तक सारे स्टेप्स वो ही हैं जो कि एसिड में थे लेकिन क्योंकि अब हम बेस में हैं हमको हाइड्रोक्सो ग्रुप्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज कर सकें इस एग्जाम्पल में चार प्रोटॉन्स हैं रिएक्टेंट साइड पर इसलिए मुझे चार हाइड्राक्सोस ऐड करने पड़ेंगे रिएक्टेंट साइड में लेकिन याद रखना कि अगर मैं चार रिएक्टेंट साइड पर ऐड करूँ तो मुझे चार प्रोडक्ट साइड पर भी ऐड करने पड़ेंगे अब मैंने चार वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दिए हैं रिएक्ट इन साइड पर और हो सकता है कि सिंप्लफिकेशन की ज़रूरत हो आखिरी में हमको चेक करना पड़ेगा कि एटम्स और चार्जेस इस बैलेंस्ड इक्वेशन में बैलेंस्ड हैं इस दूसरे एग्जाम्पल में हमको फिर से हमारा नोमनक्लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख पाए वर्ड प्रॉब्लम से ध्यान से देखिए कैसे मैंने फिर से बेस लिखा है एरो के ऊपर ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैं बेसिक सॉल्यूशन में काम कर रही हूँ अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दो हाफ रिएक्शंस में बांटेंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं पहले हम ये स्टेप्स जो मैं अभी बोलने वाली हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे क्लोरीन जो रिड्यूस्ड हो रहा है को बैलेंस करना पड़ेगा फिर हम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे इसको करने के लिए हमको सेम नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे अब हम सेम नंबर के प्रोटॉन्स ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड पर ताकि हाइड्रोजन्स इक्वेट हो जाएं। अब हमको ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ये स्टेप्स हम रिपीट करेंगे ये दूसरे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए क्लोरिन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और एक ज़रूरत है उसको बैलेंस करने को कोई ऑक्सीजन नहीं है तो मुझे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स या प्रोटॉन्स नहीं ऐड करने हैं इसको बैलेंस करने के लिए इसका मतलब है कि हमको चार्जेस इक्वेट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे हाफ रिएक्शंस ऐड होने से पहले हमको सुनिश्चित होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे इस एग्जैंपल में हो जाते हैं तो मैं दोनों हाफ रिएक्शंस वापस से साथ में ला सकती हूँ इस पॉइंट तक सारे स्टेप्स वही हैं जो कि एसिड में थे लेकिन क्योंकि अब हम बेस में हैं हमको हाइड्राक्सो ग्रुप्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज़ कर सकें इस एग्जांपल में चार प्रोटॉन्स हैं प्रोडक्ट साइड पर इसलिए मुझे चार हाइड्रोक्सोस ऐड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट साइड पर लेकिन याद रखना कि अगर मैं चार प्रोडक्ट साइड पर ऐड करूँ तो मुझे चार रिएक्टेंट साइड पर भी ऐड करने पड़ेंगे अब मैं चार वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दिए हैं प्रोडक्ट साइड पर और सिम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत है दो वाटर आउ रिएक्ट इन साइड पर के साथ आखिरी में हमको चेक करना है कि आरम्स और चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं इस इक्वेशन में और होते हैं